ओबीसी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा, मध्य प्रदेश सरकार ने ओबीसी मतदाताओं के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। वर्मा ने एशियन भारत से बात करते हुए कहा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार झूठ बोल रहे हैं और जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है उसके मुताबिक प्रदेश के ओबीसी वर्ग को सिर्फ 14% आरक्षण ही मिल पाएगा, जबकि कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया था। सज्जन सिंह वर्मा से बात की एशियन भारत के ब्यूरो चीफ विनित पाठक ने। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके का फैसला आया है, बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस का जो झूठ था उसका पर्दाफाश हो गया और सरकार ने अपनी पूरी मेहनत के साथ ओबीसी को आरक्षण देने का काम किया। झूठ का पर्दाफाश यदि किसी राजनीतिक दल का हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पर्दाफाश पूरे पिछड़े वर्ग के भाई बहनों के सामने हो गया है कि घड़ियाली आंसू बहाने वाला शिवराज हमारे हितों की रक्षा नहीं कर पाया। जिस पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण राजनीतिक क्षेत्र में मिलना था, सामाजिक क्षेत्र में, उसके साथ अन्याय हुआ है। मात्र 14% आरक्षण की बात की जा रही है, तो हम तो फिर भी बोल रहे हैं कांग्रेस के लोग कि हम पार्टी स्तर पर टिकटों के वितरण में 27% से अधिक देना पड़ा तो भी पिछड़े वर्ग के भाई बहनों को टिकट देंगे। लेकिन बीजेपी में तो जश्न का माहौल और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने भ्रम फैलाया। भाई ये तो वही कहानी है ना, दिग्विजय सिंह जी कहते हैं, आंगन में लल्ला खेले कोऊ का, नाम पिया का होए। तो जो व्यक्ति दुखी है पिछड़े वर्ग का, 27% आरक्षण मिलता तो जश्न मनाया जाता, 14% ही आरक्षण मिल रहा है तो इसमें तो वो वर्ग दुखी है। वो वर्ग आपसे चुनाव में बदला लेगा कि तुम पिछड़े वर्ग के होते हुए भी तुमने हमारे हितों को पे कुठाराघात किया है। निश्चित रूप से वोट के माध्यम से पिछड़े वर्ग का साथी बीजेपी से जरूर बदला लेगा। लेकिन जिस तरह एक सुर में पूरे जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसे सरकार जिस तरीके से प्रेजेंट कर रही है जनता के सामने, क्या करेगी कांग्रेस आगे? देखिए, बात वही है कि झूठ के आधार पर बनी हुई पार्टी अपना महिमा मंडन अपने ही चक्षुओं से करवा रही है, अपने प्यादे भेज दिए हैं। लेकिन आप एक बात बताइए, मैं मान लो एससी का हूँ, मेरे एससी कोटे से मुझे लाभ नहीं मिल रहा है तो मेरे मन की पीड़ा तो देख नहीं रहे, वो तो जबरदस्ती का जश्न मना रहे हैं। पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण चाहिए, चाहिए और चाहिए, तो अब आप झूठा जैसे मनाओ, झूठे केक काटो, झूठी मिठाई बांटो, इससे कुछ होना जाना नहीं। क्या कांग्रेस अब आगे फिर से कोर्ट जाएगी या फिर जब सरकार आएगी तब इस पर आगे फैसला हो? कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है, यदि शिवराज का मन पवित्र हो और अब खुद पिछड़े वर्ग के अपने वर्ग की यदि तुम रक्षक हो तो एक लाइन का प्रस्ताव नरेंद्र मोदी को भेज दो कि राज्यसभा और लोकसभा में इस कानून में संशोधन करें और 27% आरक्षण, जिस तरह 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण एक्स्ट्रा दिया गया है लोकसभा राज्यसभा में कानून पास करके, वैसे ही कानून पास करें और 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग के लोगों को दे। इस चुनाव में तो तुम दे नहीं पाओगे, पर अगले भविष्य के लिए तो उन्हें 27% आरक्षण मिल जाए, तब जनता समझेगी कि तुम्हारी मंशा साफ है। तो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया और बीजेपी जश्न मना रही है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ओबीसी वर्ग के साथ जो उनका हक था वो मारा गया है और ये जो जश्न बीजेपी मना रही है ये पूरी तरीके से झूठा है। कैमरा पर्सन अमित सेवते के साथ विनीत पाठक, एशियन भारत, भोपाल।